कभी-कभी आपको लगता है कि किसी इमेज का सिलेक्शन बहुत ही आसान है, लेकिन जैसे ही आप उसे शुरू करते हैं तो आपको उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। उदाहरण के लिए, जैसे हम ये इमेज देखते हैं, इसमें हमको मान लो ये राउंड शेप सेलेक्ट करनी है, तो हमें लगता है कि ये तो आसान है, यहाँ पे हम इलेप्टिकल मार्कर टूल सेलेक्ट करेंगे और ये सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इतना आसान होता नहीं है। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन शुरू करते हैं, यहाँ से हम इलेप्टिकल मार्कर टूल सेलेक्ट करते हैं और इस प्रकार से हम एरिया ड्रा करते हैं और स्पेस बार की सहायता से इसको थोड़ा मूव करते हैं और इस प्रकार से एक परफेक्ट शेप देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी ये जो सिलेक्शन की बाउंड्री है, ये परफेक्ट इस शेप में नहीं आ पाती है। इस प्रकार की सिचुएशंस में हम सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सिलेक्शन मेन्यू में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सिलेक्शन के चारों तरफ एक बाउंड्री दिखाई देने लग जाती है। इस बाउंड्री से हम अपने सिलेक्शन को इस प्रकार से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। कई इमेजों में ये जो हैंडल्स हैं, ये हमें आसानी से सिलेक्शन को परफेक्ट करने में सहायता दे सकते हैं, लेकिन ये जो हमारी इमेज है, इसमें सिर्फ ये जो चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है, केवल ये ही हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हमें इस सिलेक्शन को पूरी तरह से परफेक्ट करने के लिए अपने सिलेक्शन को रैप करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करते हैं। ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद में हम ये जो अपना सिलेक्शन बाउंड्री है, इसको क्लिक करके इस प्रकार से यहाँ पे ले आते हैं और इस बाउंड्री को यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ले आते हैं और इस प्रकार से यहाँ से। तो हमें जो ये सिलेक्शन की बाउंड्री है, इसको अपने पॉइंट पे रखना है माउस के सहायता से, जूम करके आप देख सकते हैं। बाकी ये जो ट्रांसफॉर्म की ये जो बाहर की बाउंड्री है, ये अपने आप सेट हो जाएगी। आपको सिर्फ अपनी ये जो सिलेक्शन की ये बॉर्डर है, इसको आपको सिर्फ यहाँ पे जिस पॉइंट पे आपको लाना है वहाँ पे लेके आएंगे। बाकी ये जो बाहर की बाउंड्री है, इन पे आपको ध्यान नहीं देना है। इस प्रकार से आपका ये जो सिलेक्शन परफेक्ट हो गया है। इसके बाद में हम यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार से हम अपने सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करके आसानी से सिलेक्शन बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।